हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज का जो ये रेसिपी है, इसको अगर बना के आप एक बार खा लेते हैं तो अपना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आज का जो ये रेसिपी है, थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही बैंगन। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये झट से बन के तैयार हो जाती है। और आज ये मैं रेसिपी को कैसे बनाऊंगा, ये जानने के लिए आप वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो फिर चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे चार छोटे छोटे बैंगन लिए हैं और इसको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिए हैं। अगर आपको पूरा गोटा बैंगन का ही बनाना है तो आप छोटे छोटे बैंगन ले, नहीं तो आप बड़े बैंगन भी ले सकते हैं। अभी हम सबसे पहले ये चक्कू के मदद से इसको बीच से चार टुकड़ा करके काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको काट लेना है। ये बहुत ही छोटा छोटा बैंगन है और इसी तरह बैंगन से दही बैंगन बना के खाने से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसका जो डंठल है इसको भी छील सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। अगर आप इसको ना भी छीलें तो भी चलेगा। और इसी तरह हम एक एक करके सारे बैंगन को काट लेंगे। इसको बीच से काटने का और एक फ़ायदा है, अगर इसमें कीड़ा होगा तो भी पता चल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके चारों बैंगन को काट लिया है। अभी हम इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम एक कटोरे में लेंगे दही, और आप जब भी दही बैंगन बनाएं हमेशा फ्रेश दही का ही यूज करें, खट्टा दही यूज ना करें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। काला नमक को डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा चीनी और डाल सकते हैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, इसमें जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से पानी डालें। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया। इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अभी हम एक एक करके जो हमने काट के बैंगन को रखा था उसको हम इसमें डालते जाएंगे। अगर आपका कढ़ाई बड़ा है और तेल ज़्यादा है तो आप एक साथ चारों बैंगन को भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके भी फ्राई कर सकते हैं। आप जब भी इसको फ्राई करें गैस को मीडियम फ्लू पे रख के ही फ्राई करें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा कच्चा रह जाएगा। इसी तरह हमें इसको पलट पलट के अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा पहला बैंगन निकल गया है। अभी हम निकालते हैं दूसरा बैंगन को, और एक एक करके हम सारा बैंगन को निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारा बैंगन को निकाल लिया है। अभी हम लगाएंगे तड़का, और इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और तेल गर्म हो जाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोटा सरसों, चार सूखी मिर्ची, थोड़ा सा हींग, और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और फ्राई हो जाने के बाद अभी हम इसको लेकर डालेंगे दही का ऊपर जो हमने रखा था। अभी हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी हम एक एक करके जो हमारा फ्राई किया हुआ बैंगन है उसको इसमें डालते जाएंगे। और इसी तरह इसको डालने के बाद इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो दही है ये बैंगन के पूरा अंदर तक चला जाए और ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। इसको इसमें अच्छी तरह से डुबो कर रख देना है और इसको छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट हो गया है। ये देखिए, अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अभी हम इसको करेंगे प्लेट में सर्व। ये हमारा पहला बैंगन निकल गया। अभी हम निकालेंगे दूसरा बैंगन। इसी तरह हम एक एक करके सारा बैंगन को प्लेट में निकाल लेंगे। और बैंगन को निकालने के बाद अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा दही। अलग से नहीं डालना है, उसी दही का ही डालना है। ये देखिए, इसको हम इसका ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। हम बैंगन और दही को मिला के खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है।
और ये देखिए दोस्तों, हमारा दही बैंगन पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, आज का ये मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।